कानपुर टेस्ट में भारी बारिश के बाद टीम इंडिया के बैटर्स और बॉलर मैदान में तूफान लेकर आए। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा खेल दिखाया कि 147 साल का रिकॉर्ड चकनाचूर हो गया। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच के बीच कई सारे और भी रिकॉर्ड्स बने, आइए जानते हैं। टीम इंडिया के धाकड़ स्पिनर ऑलराउंडर रविंद्र जाडेजा ने आज अपने 12 साल लंबे टेस्ट करियर में पहली बार 13 शतक लगाया है। रविंद्र जाडेजा ने साल 2012 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और आज उन्होंने कानपुर के दौरान इतिहास रच दिया। रविंद्र जाडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में जारी दूसरे टेस्ट के चौथे दिन महारिकॉर्ड बनाया है। 35 साल के इस धाकड़ ऑलराउंडर ने टेस्ट क्रिकेट में अनोखा 13 शतक जड़ा। आपको बता दें, रविंद्र जाडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरी कर लिए हैं। जाडेजा के नाम 74 टेस्ट मैचों में 300 विकेट दर्ज हो गए हैं। जाडेजा ने बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर में जारी दूसरे मैच के चौथे दिन खलील अहमद को आउट करते हुए टेस्ट क्रिकेट में ये महान उपलब्धि हासिल की है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज खलील अहमद टेस्ट क्रिकेट में रविंद्र जाडेजा का 300वां शिकार बने। रविंद्र जाडेजा ने 64 टेस्ट मैचों में 300 विकेट हासिल किए और 3122 रन भी बनाए। रविंद्र जाडेजा ने टेस्ट मैचों में 13 बार पारी में 5 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा 2 बार टेस्ट मैच में 10 या उससे ज्यादा विकेट चटके हैं। वहीं भारतीय बैटर ने T20 स्टाइल में बैटिंग की, यानी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने इस बार T20 स्टाइल में बैटिंग की है। महज 10.1 ओवर में 100 रन बना डाले। ये टेस्ट इतिहास में सबसे तेजी से 100 रन बनाने का रिकॉर्ड है। आपको बता दें, सोमवार को भारतीय गेंदबाजों ने बांग्लादेश को 233 रन पर समेटा। इसके बाद भारतीय बैटर्स की बारी आई और भारतीय ओपनर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने T20 स्टाइल में शुरुआत दी। इन दोनों ने 4 ओवर में ही 55 रन बना दिए। इस स्कोर पर रोहित शर्मा 11 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद यशस्वी और शुभमन 39 ने टीम को 127 रन तक पहुंचाया। भारत ने इस दौरान अपने 100 रन 61वीं गेंद पर पूरा किया। इसके साथ ही भारत ने तेजी से 100 रन बनाने का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत ने एक साल पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ 12.2 ओवर में 100 रन का रिकॉर्ड बनाया था। वहीं आपको बता दें, विराट कोहली का कानपुर टेस्ट में बल्ला गरज रहा था। किंग कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 35 रन बनाते ही इतिहास रच दिए। विराट कोहली ने 35वां रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 27,000 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। विराट कोहली दुनिया के पहले सबसे तेज 27,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने वाले बैटर बन गए। इस दौरान उन्होंने महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखते रहें क्रिकेट केसरी।